हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ASR The Expert में। और आज की वीडियो का टाइटल है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करा जाएगा। जितने भी मार्केट के अंदर में टॉप लार्ज कैप फंड है, टॉप 15 20 25 जितने फंड है, सबको रिव्यू करेंगे साथ में और ऑल्सो कंपेयर करेंगे कि एक किस तरह से उन्होंने 10 साल में परफॉर्मेंस दिया, मतलब ईयर ऑन ईयर YTD लेवल के बेसिस पर हर एक साल में किस तरह से परफॉर्म करा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, जो बेंचमार्क रहता है, और हम लार्ज कैप फंड से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन से रहे, ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। और इसको हम कवर करेंगे एक सिंपल डाटा से। आप भी साथ में स्टडी करने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल और बहुत इन्फॉर्मेटिव एक टेबल है, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, इसलिए एक वीडियो बनाया। अब सीधा आते हैं। देखिए, हमने कवर करे हैं डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के। तो इसमें जिस भी फंड्स की बात हो रही है, ये सारे के सारे डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान और लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर में थे। अब अगर मैं इसको नॉर्मल करूँ यहाँ पे देख के कि भाई अगर बात आती है हमारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स की, यही तो हमने क्या करा, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस लगाइए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस लगाइए 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सारे सालों की परफॉर्मेंस को एक साथ में लगाया और देखा कौन से फंड ने किस तरह से परफॉर्म करा है और उनकी रिटर्न्स को यहाँ पे लगाया एनुअलाइज बेसिस के ऊपर में। कोई ट्रेलिंग रिटर्न्स नहीं, कोई वैसे नहीं, सिर्फ मॉडल में, सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि भाई एक साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने कितने परसेंट की रिटर्न दी, सिंपल। और फिर हमने जो ये जितने भी फंड्स हैं, अगर आप ये देखेंगे टोटल 24 फंड्स हैं यहाँ पे, जो जिनमें आप लोगों के काफी अच्छे पैसे लगे हो सकते हैं, उसमें से हमने नीचे एक फार्मूला लिया मैक्सिमम रिटर्न्स का कि भाई मैक्सिमम रिटर्न्स किसकी थी, और साथ में उसके नीचे ही हमने एक मिनिमम रिटर्न्स लगाई कि मार्केट के सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग ने कितना परफॉर्म करा, और ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए तो लार्ज कैप ने किस तरह से परफॉर्म करा। और साथ ही साथ में हमने निफ्टी 50 को लगाया कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म करा, जो हमारी मेन बेंचमार्क रहता है मार्केट को बैरोमीटर्स के लिए। तो जो जिसने टॉप परफॉर्म करा उनको हमने येलो के संग हाईलाइट करा, जिसने वर्स्ट परफॉर्म करा उसको ग्रीन के संग हाईलाइट करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड 2013 में बेस्ट था, फिर 2014 के अंदर में निपोन इंडिया के लार्ज कैप फंड ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद SBI ब्लू चिप ने 2015 में अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस 2016 के अंदर में आपका HDFC टॉप 100 फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वैसे ही फुद्दू फंड है पर इसने अच्छा परफॉर्म करा इस समय। इसके बाद आती है कि 40% की रिटर्न्स के संग में मिराई, निपोन और एक्सिस ब्लू चिप फंड की अच्छी रिटर्न्स रही। 2018 में आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड टॉप पे था, 2019 में एक्सिस ब्लू चिप फंड टॉप पे रहा, और 24% के संग कैनरा रोबोका ने 2020 में काफी अच्छी रिटर्न्स दी। फिर 2021 में 33% के संग में आपका इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप फंड ने अच्छा परफॉर्म करा। फिर देखेंगे निपोन इंडिया ने 12% के रिटर्न के संग में 2022 में टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। और इसके बाद में अभी करंट ईयर के अंदर में देखेंगे 0% की रिटर्न देकर निपोन इंडिया बेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि मार्केट अगर आप अपने आप में देखेंगे 2.82% से डाउन चल रही है YTD लेवल बेसिस पे, जिसमें जनवरी फरवरी और मार्च के ये कुछ दिन को काउंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे कि हमने एक सेकंड क्राइटेरिया क्या यूज करने की कोशिश करी कि इसका सम अप करा कि एक टोटल पॉइंट लगाया जाए कि टोटल परसेंटेज रिटर्न कितनी आई होगी, कि अगर हर साल को अगर हम इंडिविजुअली देखें, यहाँ पे वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा कि 100 पे 8 जुड़ जाता है 108 का कितना परसेंट रिटर्न है, उसकी बात नहीं कर रहा, एक टोटल ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो अगर उसको देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपकी 175% मिराई एसेट के संग में, जबकि इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में उसने एक ही बारी ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा, लेकिन क्या रहता है कि अगर वो बेस्ट नहीं है तो बेस्ट के आसपास है, 56% के बगल में 54% के रिटर्न 2014 में इसने दी थी। 2017 में इसने फिर अच्छा करा है, और फिर इसमें देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे 33 था तो 28 के आसपास में इसने रिटर्न्स दी है। लास्ट ईयर की रिटर्न्स बहुत एवरेज बेस में रही है, पर ओवरऑल लेवल पे देखेंगे तो आपको 18% की ही रिटर्न्स दी है एवरेज बेसिस के ऊपर में। अगर आप इसको ब्रिंग डाउन करेंगे एवरेज पे, तो हमने एवरेज का भी फार्मूला लगाया साथ में, पर निप्पॉन इंडिया, बड़ौदा BNB, एक्सिस ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंस, SBI ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल, इन सब ने 16% से के ऊपर की रिटर्न दी है। और यहाँ पे हमारे को एक चीज और समझने की बात है कि अगर मैं सारे म्यूचुअल फंड्स का टोटल करूँ तो एवरेज रिटर्न 14% की है। तो ये हमारे एक सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक म्यूचुअल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से, अप्रोक्सीमेटली 13 से 14% के रिटर्न आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। देखिए 24 में से आपके 21 म्यूचुअल फंड ने 13% से ऊपर के रिटर्न दिए, जो कि एक
काफी अच्छी रिटर्न्स है, पर आपको यहाँ पे साथ में देखना पड़ेगा मार्केट ने भी पूरे इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि 14% के रिटर्न दिए। तो लार्ज कैप फंड जो होते हैं ना, ये निफ्टी 50 के ही पोर्शन में से निकलता है क्योंकि उनको ही लार्ज कैप कैटेगरी में काउंट करा जाता है। तो वहां से जो आपको रिटर्न मिलती है, तो मोर और लेस आप निफ्टी 50 के आसपास में रिटर्न देंगे देखेंगे, और वही आपको यहाँ पे अराइव्ड हो रही है। लेकिन आपके कुछ फंड मैनेजर जो स्मार्टली काम करते हैं, टाइम इन टाइम आउट में किस प्रपोर्शन का गेम होता है, किसी स्टॉक्स में अच्छी प्रपोर्शन वेटेज दी है, कब एग्जिट करा है, कब लोड बढ़ाया है, तो वो सारी चीजों को आपको साथ में देखना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो रिटर्न मिली है वो 16% और 18% के रिटर्न भी कुछ म्यूचुअल फंड्स ने आपको कमा के दिए 14-15% तक में। पर यहाँ पे इनके एक्सपेंस रेशो भी साथ में आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, 1% से 1.25% या 2% तक भी होती है। तो उसको अगर ब्रिंक डाउन करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली निफ्टी 50 के आसपास में ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज हमारे को यहाँ पे समझ पे आती है। फिर साथ में हमारे को नई चीज जो देखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए यहाँ पे एक साइकिल चलती है। 2013 के साल में निफ्टी ने सिर्फ 7% की रिटर्न दी, तो 2014 में 31% की बहुत ही अच्छी रिटर्न दी। फिर दो साल डल रहे हैं जहाँ पे एक साल नेगेटिव रिटर्न थी 4% की, और अगले साल 3% की ही रिटर्न रही। तो उसका अगला साल 2017 में जो आया वो बंपर जैकपॉट के संग पे आए, जहाँ पे 29% की रिटर्न इन्होंने दी, और जो म्यूचुअल फंड्स थे लार्ज कैप वाले बेस्ट वाले 40 और 32% की एवरेज रिटर्न आई है आपकी। फिर अगला साल डल आया 3% का, तो उसके अगले साल में एवरेज रिटर्न 12% 14%, दो साल एवरेज रिटर्न पे गए, और फिर सीधा रिटर्न आई 24% की 2021 में। 2022 हमारा डल गया है, इस साल को भी आप देखें कि मे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर ये डल भी जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला साल इसको एवरेज आउट करेगा। मार्केट में जो ड्यू होता है आगे बढ़ने का वो आपको मिलता ही है, पर इसमें उसी को रिटर्न मिलेगी जो टिका रहेगा। आप इस बात को समझिए कि अगर आपने एग्जाम्पल के लिए मैं निप्पॉन इंडिया का फंड लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए, 3% की रिटर्न ली, आपने कहा यार ये परफॉर्म तो मेरे को 13% दे रहा है, मैं इसे स्विच करके इसमें आ जाता हूँ। फिर अगले साल क्या हुआ, इसने 43 दी, इसने 56 दी, आप इसमें आए तो आपने देखा कि इसने सिर्फ 2% की रिटर्न दी, और यहाँ पे ये SBI ब्लू चिप ने 9% की रिटर्न दी। हर साल स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे एवरेज आउट में ये जितने भी फंड है, आप कितने भी स्मार्टनेस लगा ले, 1 से 1.5% के अंतर में ही ये सारा का सारा गेम चल रहा है। पर एक कंसिस्टेंसी होती है, अगर आप इतने लंबे टाइम होरिजन के अंदर देख रहे हैं तो आपको दिखाई देंगे जो हमारा येलो कलर है वो इनके अंदर में सीमित हो जाता है ज्यादातर जगह पे। और कुछ फंड ऐसे भी हैं, जैसे आप देखेंगे कोटक ब्लू चिप फंड कभी भी ना बॉटम में आया ना कभी टॉप में आया, और 15% के रिटर्न आपको प्रोवाइड करी है। सेम गोज विद द आदित्य बिरला ग्रुप एडेलवेइस के संग में, IDBI टॉप 100 के साथ में। तो ये आपको देखना चाहिए, और मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि आप इसके संग मार्केट की साइकिल्स को समझ पाए। एक तो ये चीज थी कि 1-2 साल डल हो सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर में आपको वो एक अच्छी रिटर्न मिलती है हर 1-2 साल के डल पीरियड के बाद में। तो आपका जो इस टाइम पीरियड में, जैसे एग्जांपल के लिए जिन्होंने ये 2 सालों के अंदर में अपनी SIP नहीं रोकी और कंटिन्यूस रहे परफॉर्मेंस देने के लिए 2% या 3% में, इन्होंने एक बहुत अच्छा बेस में फंड के वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, या शेयर मार्केट में से डायरेक्ट लगाते आपने इकट्ठा कर लिया, तो जब ये वाला साल आया तो आपके एक मोटे अमाउंट, एग्जाम्पल के लिए किसी के 50,000 इस साल में लगे, 50,000 इस साल में, तो जब 1,00,000 रुपए के ऊपर में उसने रिटर्न कमाई यहाँ पे 2017 के ऊपर में, और 1,00,000 क्या इसमें 50,000 मान ले, तो 1,50,000 रुपए के ऊपर में रिटर्न कमाए, जबकि अगर वो यहीं पे एग्जिट कर लेता और जब यहाँ पे रिटर्न बनते हुए देखता 20-25% की रिटर्न ऑलरेडी बनी हुई होती और तब वो मार्केट में एंटर करता तो उसकी कमाई नहीं आती। सेम होता है आपको कि मार्केट में बने रहना है और उम्मीद करनी है कि आप उस जो ये डल टाइम आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस रहे, और अच्छी परचेज करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और वक्त के साथ में उम्मीद करते हैं 14-15% की रिटर्न काफी अच्छी है, आप इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट कर सकते हैं और अच्छी इनकम आपकी बन सकती है। उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कोई कमेंट हो तो डेफिनेटली वो वेलकम रहेंगे। थैंक यू।